सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम लोनेश कुमार वर्मा। अहम रायपुर जिला अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शशान पैरी मध्य व्याख्याता रूपेण पदस्थोस्मि। अद्य वयम पठामः संस्कृत विषयम्। षष्ठी कक्षायाः संस्कृत विषयम् अष्टादशः पाठः। पाठस्य नाम अस्ति नीति नवनीतम्। प्यारे बच्चों, नीति नवनीतम् इस पाठ का शीर्षक है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। नीति आप सभी जानते हैं, जिसमें नीति की बातें होती हैं, जिसमें नैतिकता का समावेश होता है, उसे हम कहते हैं नीति की बातें। और नवनीतम, नवनीतम का तात्पर्य होता है मक्खन। जैसे दूध में से जो सार तत्व होता है उसे हम मक्खन कहते हैं, वैसे ही जो अन्य बातें होती हैं, जो नीति की अन्य बातें होती हैं, उनमें से जो सार रूप में है उसे हम कहेंगे नीति नवनीतम। आइए इस पाठ के श्लोकों का हम अध्ययन करते हैं। पहला श्लोक आप देख रहे हैं, इसमें आपको दिखाई दे रहा है, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोऽपि भयंकरः। क्षणे, क्षणे का मतलब होता है क्षण भर में या पल भर में। तुष्टा तुष्ट होते हैं, रुष्टा रुष्ट होते हैं, क्रोधित होते हैं या नाराज होते हैं। अव्यवस्थित चित्तानां, जिनका चित्त स्थिर न हो, उन लोगों के प्रसादो अभी, प्रसादो भी यहां प्रसाद धन अभी यदि प्रसादो के यहां पर विसर्ग संधि है। प्रसाद इसका तात्पर्य होता है प्रसन्नता। भयंकर, भयंकर का तात्पर्य होता है भयंकर या भयानक। क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा, जो लोग क्षण भर में तुष्ट हो जाते हैं अर्थात संतुष्ट हो जाते हैं या कहें कि मान जाते हैं, क्षणे रुष्टा और क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्रोधित तो हो जाते हैं। रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, इस प्रकार जो लोग क्षण भर में क्रोधित हो जाते हैं और क्षण भर में संतुष्ट हो जाते हैं। देखिए व्यक्ति की प्रवृत्ति के बारे में बात की जा रही है, हम समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए देखते हैं कई लोग ऐसे होते हैं जो क्षण भर में संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगले पल वे नाराज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, जो पल पल में नाराज हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, ऐसे अव्यवस्थित चित्तानाम, इस प्रकार के अस्थिर चित्त वाले, अस्थिर मन वाले जो होते हैं, ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति होती है उनके विषय में बात की जा रही है। तो जो लोग अव्यवस्थित चित्त वाले होते हैं, अस्थिर मन वाले होते हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या होती है उसके बारे में बता रहा है कि प्रसादों भी भयंकर, उन लोगों की प्रसन्नता भी भयंकर होती है, भयानक होती है। अर्थात ऐसे लोग यदि प्रसन्न हैं तो हम यह मानकर प्रसन्न न हो कि वो हमसे प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि वो अस्थिर चित्त वाला है, उनका मन कब बदल जाए ये कहा नहीं जा सकता है। जो अभी प्रसन्न है हो सकता है थोड़ी देर में वो अपनी आंखें दिखाने लग जाए, वो क्रोध में लाल हो जाए और क्रोध में लाल होकर या गुस्से में लाल होकर पता नहीं क्या कर जाए। तो ऐसे लोगों की प्रसन्नता भयंकर होती है। तो जो लोग क्षण भर में तुष्ट हो जाते हैं और क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं, और जो क्षण क्षण में तुष्ट और रुष्ट होते हैं, ऐसे लोगों की प्रसन्नता भयंकर होती है। इसलिए ऐसे लोगों से हमें बचकर रहने की आवश्यकता है। आइए अगला श्लोक देखते हैं। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्द मर्धो घोषमुपैतिमूनम्, विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम्, जल्पन्ति मूढ़ास्तु गुणैर्विहीनाः। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम्,
अर्थो घोषम उपायते मुना। ये इस तरह से श्लोक हम अलग अलग कर सकते हैं इसके पदों को। संपूर्ण कुंभ, कुंभ कहते हैं घड़ा को, संपूर्ण कुंभ ऐसा घड़ा जो जल से परिपूर्ण हो, जिसमें जल जो है पूरी तरह से भरा हुआ हो। न करोति शब्दम, तो जो घड़ा जल से परिपूर्ण होता है, जल से पूरी तरह से भरा हुआ होता है, वह शब्द नहीं करता है। शब्द मतलब होता है आवाज, यहां पर शब्द तात्पर्य आवाज से है। तो अच्छी तरह से भरा हुआ घड़ा आवाज नहीं करता है, किंतु अर्धो घोषम उपैति मुनम, किंतु जो आधा भरा हुआ घड़ा होता है वह निश्चित रूप से घोषम, घोष कहते हैं आवाज को। देखिए घोष के लिए दो शब्द आया है, यहां पर शब्द को भी आवाज कहा गया और घोष का तात्पर्य भी आवाज स्वर या नाद से है। तो आधा भरा हुआ घड़ा जो है निश्चित रूप से आवाज करता है। जैसे आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा है, थोथा चना बाजे खाना, अर्थात जो लोग कम जानते हैं वो ज्यादा बोलते हैं। ऐसे ही जो घड़ा अच्छी तरह से भरा हुआ होता है वह आवाज नहीं करता है, किंतु जो घड़ा आधा भरा हुआ होता है वह निश्चित रूप से आवाज करता है। विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, जो विद्वान होते हैं, जो कुलीन होते हैं, कुलीन कहते हैं अच्छे कुल वाले को या अच्छे वंश वाले को। तो जो व्यक्ति विद्वान होता है या अच्छे कुल वाला होता है, अच्छे वंश वाला जो होता है, वह न करोति गर्वम, वह गर्व या घमंड नहीं करता है। कोई व्यक्ति विद्वान है वो अपनी विद्वत्ता का घमंड नहीं करता है। और ऐसे ही जो व्यक्ति अच्छे कुल वाला है वो स्वभाव से शालीन होता है, अच्छे व्यवहार वाला होता है। वो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हूं इसलिए वह गर्व करे, ऐसा नहीं होता है। तो विद्वान और अच्छे कुल में उत्पन्न व्यक्ति जो है वो गर्व नहीं करते हैं। जलपंति मूढ़ास्तु गुणैर विहीना, किंतु जलपंति अर्थात व्यर्थ बोलते रहते हैं। मूढ़ास्तु यहां पर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। मूढ़ाह का तात्पर्य होता है मूर्ख लोग। गुणैर विहीना, गुणैः धन विहीना, यहां भी विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ। तो गुणैः गुणों से विहीना विहीन लोग, जो लोग मूर्ख होते हैं और गुणों से विहीन होते हैं, जो गुण से रहित होते हैं, जिनके पास गुणों का अभाव होता है, ऐसे लोग जलपंति। तू, तू मतलब होता है ये क्या है, ये निश्चय बोधक अव्यय होता है, इसका तात्पर्य होता है निश्चित रूप से। तो जो लोग मूर्ख होते हैं और जो गुणों से रहित होते हैं वे लोग निश्चित रूप से व्यर्थ बोलते रहते हैं। तो देखिए जिस तरह से घड़ा जो भरा होता है वह शब्द नहीं करता है, वह आवाज नहीं करता है, उसी तरह से जो व्यक्ति विद्वान होता है, जो कुलीन होता है, जो ज्ञान से परिपूर्ण होता है, वह आवाज नहीं करता, वह घमंड नहीं करता है, आवश्यकता होने पर ही बोलता है। किंतु जैसे आधा भरा हुआ घड़ा निश्चित रूप से आवाज करता है, वैसे ही जो लोग आधा जानते हैं, जो अल्पज्ञ होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, जो गुणों से विहीन होते हैं, ऐसे लोग व्यर्थ बोलते रहते हैं। इसलिए कहा गया कभी आप लोगों ने मुहावरा भी सुना है, अधजल गगरी छलकत जाए, आधा भरा हुआ घड़ा जो है छलकता है। क्यों छलकता है? क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि मैं भरा हूं, मुझ में जल भरा हुआ है, ये दिखाना चाहता है, इसलिए वो छलकते जाता है, ऐसा उस मुहावरे का तात्पर्य है। तो जो लोग कम जानते हैं वे मैं जानता हूं इस बात को बताने के लिए व्यर्थ ही बोलते रहते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये मूर्खता की निशानी है, मूर्खता मूर्ख होने का पहचान है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। ये साम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते वर्त लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये साम जिनमें न विद्या न तपो न दानम, जिनके पास न विद्या है
न तप है न दान है। ज्ञानम न शीलो न गुणो न धर्म, न ज्ञान है न शील है न गुण है न धर्म है। अर्थात जो व्यक्ति विद्या से विहीन है, जो तप आदि से विहीन है, तप की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, जो दान के कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता है, जिनमें ज्ञान प्राप्त करने की लालसा नहीं है, जो व्यवहार नहीं जानता है कि किससे कैसा व्यवहार करे, इन चीजों को भी जो नहीं जानता है, और जिसके पास किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, और जो धर्म का भी पालन नहीं करता है, ते मर्त्य लोके, वे मर्त्य लोके, मर्त्य लोके कहते हैं मृत्यु लोक को, धरती को। जैसे लोगों की बातें कही जाती है, आपने सुना है स्वर्ग लोक, धरती लोक, पाताल लोक जैसे कहते हैं, तो वैसे ये जो धरती लोक है इसको मृत्यु लोक भी कहा जाता है। तो ते मर्त्य लोके, वे लोग मृत्यु लोक में भूवि भार होता, पृथ्वी में भार के समान है, बोझ के समान है, और वे हो सकते हैं निश्चित रूप से मनुष्य तो हों, किंतु उन्हें मनुष्य कहा जाए कि नहीं कहा जाए अगली पंक्तियों में उसका निर्णय आप करेंगे। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, तो जिनके पास न विद्या है न तप है न दान है न ज्ञान है न शील है न गुण है न धर्म है, वे धरती में भार के समान है, और मनुष्य होते हुए भी मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में वे मृगाश्चरन्ति, पशुओं की तरह इधर उधर विचरण करते हैं। जैसे धरती में पशु इधर उधर विचरण करते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति मनुष्य होते हुए भी न तो विद्या को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है, न दान करता है, न ज्ञान प्राप्त करता है, न व्यवहार को जानता है, न जिसके पास गुण है न धर्म है, वे जो है मनुष्य होते हुए भी पशु के समान है, और इस धरती पर वे बोझ है, या जिन्हें हम धरती के बोझ कहते हैं, तो इस तरह के हैं। तो मानव है तो मानव है, देखिए मनुष्यों को सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि होता है, और इस बुद्धि का उपयोग यदि वह व्यक्ति नहीं करता है, या कहें कि अपना मानव है तो मानवता का जो धर्म होता है, इन चीजों को जो पालन नहीं करता है, वो व्यक्ति मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। वे वास्तव में मनुष्य होते हुए भी पशु ही है। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोधैर्य, न हि सूक्तास्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन, उद्यम कहते हैं परिश्रम, तो उद्यमेन का तात्पर्य परिश्रम से, ही मतलब इसका तात्पर्य होता है निश्चित रूप से, या ही, या भी निश्चय बोधक अव्यय पद है। सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य या काम, न, न का मतलब होता है नहीं, मनोरथी है, मनोरथी का तात्पर्य होता है मन की इच्छाओं से। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कोई भी कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं। जैसे आप सभी विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, आपका कार्य क्या है? पढ़ना, पढ़ने में परिश्रम करना, पढ़ने में मन लगाना। जब आप पढ़ेंगे तब निश्चित रूप से पुस्तकों में जो ज्ञान निहित है वो आपको प्राप्त होगा। केवल आप कहेंगे कि मुझ में ज्ञान आ जाए तो क्या यह संभव है? नहीं ना। हाँ, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही एक किसान यदि यह कहे कि मेरे खेतों से फसल उत्पन्न हो जाए, मैं, मेरे पास बहुत अधिक फसल हो जाए, मैं धन धान्य से परिपूर्ण हो जाऊं, ऐसा यदि वह सोचता है तो क्या उसके सोचने मात्र से कार्य संभव होगा? नहीं। तब उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तब उसको खेतों में जाकर हल चलाना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, उसकी सिंचाई करना पड़ेगा, फिर फसल कटाई और बिजाई करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर फसल तैयार होती है। यदि वह केवल इच्छा करेगा, केवल मन से सोचेगा, तो कार्य संभव होगा क्या? नहीं। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि,
परिश्रम से ही कार्य सफल होते हैं, न मनोरथ ही है, केवल मन की इच्छाओं मात्र से कोई भी कार्य सफल नहीं होता है, चाहे वो पढ़ना हो, चाहे खेती करना हो, या कोई अनुसंधान करना हो, या रोगों का इलाज करना कराना हो, या वैज्ञानिक अनुसंधान करना हो। तो कोई भी कार्य यदि आप चाहते हैं, आपको लगता है आपको यदि भूख लगी है और आप चाहेंगे कि मेरी भूख शांत हो जाए, इसके लिए परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा ना। आपके सामने थाली में भोजन रखा हुआ है, वो भोजन आपको उठाकर खाना होगा ना, परिश्रम आपको करना पड़ेगा, तब कार्य सफल हो। तो कोई भी कार्य जो है परिश्रम से ही सफल होता है, केवल मन की इच्छाओं मात्र से नहीं होता है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जिस प्रकार से देखिए उदाहरण के साथ बात कही जा रही है कि परिश्रम से कार्य सफल होते हैं, कैसे, उदाहरण आपके सामने, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जैसे जंगल का राजा कहते हैं सिंह को, सिंह यदि कहे कि मैं जंगल का राजा हूं, तो कोई भी जंगल का पशु, मृग का तात्पर्य यहां पर पशु से, मृग का तात्पर्य केवल हिरण नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैं जंगल का राजा हूं तो जंगल के पशु आए और मेरे मुंह में समा जाए और मेरी भूख शांत हो जाए, ऐसा यदि सिंह चाहेगा, यदि वह इच्छा करता है, तब क्या यह संभव होगा? और ऐसा करके सिंह यदि अपनी गुफा में आराम करता रहे तो क्या पशु उसके पास आएंगे? नहीं ना। हाँ, तो सिंह को अपनी भूख शांत करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुफा से बाहर निकलना पड़ेगा, जंगल में जाकर उन्हें शिकार करना पड़ेगा, तब इस जानवर का शिकार करके वो अपनी भूख को शांत कर पाएगा। तो नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जिस प्रकार से सोते हुए सिंह के मुंह में कोई भी पशु अपने आप प्रवेश नहीं करता है, उसी प्रकार से कोई भी कार्य केवल आपके चाहने मात्र से, इच्छा करने मात्र से सफल नहीं होगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना। अगला श्लोक देखते हैं। सैले सैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। सैल, सैल कहते हैं पत्थर को। सैले सैले न माणिक्यम, माणिक्यम कहते हैं मणि को। मौक्तिकम न गजे गजे, गज न मतलब होता है नहीं, गजे का मतलब होता है हाथी। सैले सैले न माणिक्यम, प्रत्येक पत्थर में मणि प्राप्त नहीं होता है। ये मणि कहाँ प्राप्त होता है? मणि प्राप्त होता है समुद्र की तलहटी में जमे हुए चट्टानों में, उनके बीच से मणि प्राप्त होता है। सभी चट्टान में, सभी पर्वतों में मणि प्राप्त नहीं होता है। तो सैले सैले न माणिक्यम, सभी पत्थरों में मणि प्राप्त नहीं होता है। मौक्तिकम न गजे गजे, और उसी तरह से जितने हाथी आप देखते हैं उन सभी से मोती प्राप्त नहीं होता है, वे सभी मोती से आभूषित नहीं होते। ये मोती कहाँ होते हैं? जैसे गज कहते हैं, गज को गजराज भी कहा जाता है। देखिए सभी गज को गजराज नहीं कहा जाता है, गजराज किसको कहेंगे? जो हाथियों में श्रेष्ठ हो उसको गजराज कहेंगे, या राजा का जो हाथी है उसको हम गजराज कहेंगे। तो मौक्तिकम न गजे गजे, राजा का जो हाथी होता है, प्राचीन काल में आप सब राजा महाराजा की कहानी के विषय में आपने सुना है, देखा है, जानते हैं। तो प्राचीन काल में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वे जिस हाथी पे सवारी करते थे उसको गजराज कहा जाता था, और उस हाथी को तरह तरह के आभूषणों से सजाया जाता, उन्हीं आभूषणों में से एक होता था मोती। दो हाथी जो है, राजा का जो हाथी है उससे प्राप्त होता था, या कहें उस मोती से राजा का हाथी अलंकृत होता था। सभी हाथियों को मोती से अलंकृत नहीं किया जाता है। साधवो नहीं सर्वत्र, और जो साधु होते हैं, साधु कहते हैं सज्जन को, जो अच्छा व्यक्ति होता है वो साधु कहलाता है। साधु का तात्पर्य केवल साधु जैसा वेश बना लेना नहीं होता है, ये साधु जो होता है हमारे समाज में भी हो सकता है, हमारे आसपास भी हो सकता है। साधु नहीं सर्वत्र, तो ये जो अच्छे लोग होते हैं ये सब जगह नहीं होते हैं। चंदनम न वने वने, और ये जो चंदन है जो बड़ा शीतल होता है, इस प्रकृति शीतलता है, तो चंदनम न वने वने,
और ये चंदन का वृक्ष है ये भी सभी वनों में नहीं पाया जाता है। ये चंदन का वृक्ष कहां पाया जाता है? चंदन का वृक्ष पाया जाता है मलयगिरी में, सभी जगह ये नहीं मिलता है। तो कुछ चीजें जो अच्छी चीजें होती हैं वे दुर्लभ होती हैं, और दुर्लभ होने के कारण से ये सब जगह नहीं मिलते हैं। जैसे मणि दुर्लभ है, जैसे मोती दुर्लभ है, जैसे साधु दुर्लभ है, जैसे चंदन दुर्लभ है। तो दुर्लभ वस्तुएं जो होती हैं वे सब जगह सहजता से प्राप्त नहीं होती हैं, और सहजता से जो प्राप्त हो जाए उसको हम अच्छा है कैसे कहें, उस पर विश्वास करना कठिन होगा, उसको परखना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जैसे साधु सब जगह नहीं होते हैं, सज्जन सब जगह नहीं होते हैं, अर्थात जो भी व्यक्ति साधु जैसा हमको दिख रहा है वह वास्तव में साधु है कि नहीं, इसकी परख करने की भी आवश्यकता होगी। ऐसे ही चाहे मणि की बात हो या मोती की बात हो, कोई मणि मोती जैसा दिख रहा है वो मोती है कि नहीं, इसके लिए परख करने की आवश्यकता होगी, और इसके लिए आवश्यकता होती है दृष्टि की। इसको जब तक जांच परख न किया जाए तब तक इसका ठीक ठीक पता नहीं चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, यस्य का मतलब होता है जिसका, नास्ति न धन अस्ति इति नास्ति, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। स्वयं स्वयं कहते हैं या स्वयं, प्रज्ञा प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिस व्यक्ति में अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति स्वयं सोच विचार नहीं पाता है, शास्त्रम तस्य करोति किम्। देखिए, जिस व्यक्ति में बुद्धि नहीं है, जो सोच विचार नहीं पाता है, निर्णय नहीं कर पाता है, ऐसे व्यक्ति का शास्त्रम तस्य करोति किम्, शास्त्र जो है क्या कर सकता है? शास्त्र तभी आपकी सहायता कर सकता है जब आप में बुद्धि हो, आप किसी चीज को सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, या कोई बात बताई जा रही है तो उस बात को आप जब तक समझने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक शास्त्र या कोई भी व्यक्ति आपको समझा नहीं सकता है। इसके लिए आवश्यकता यह होती है कि हम स्वयं समझने का प्रयास करें। तो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी अपनी स्वयं की बुद्धि नहीं होती है, शास्त्रं तस्य करोति किम्, शास्त्र उसका क्या कर सकता है? अर्थात यहाँ पर शास्त्र का दोष नहीं है, दोष हमारा अपना है जिनकी अपनी स्वयं की प्रज्ञा स्वयं की बुद्धि नहीं है, हमारी बुद्धि उन चीजों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसमें दोष शास्त्र का नहीं है। लोचनाभ्याम विहीनस्य, लोचन कहते हैं आंख को, लोचनाभ्याम ये पंचमी भक्ति द्विवचन का रूप है, आंखों से विहीनस्य, विहीन का, जो व्यक्ति अपनी आंखों से विहीन है, अर्थात जो व्यक्ति अपनी आंखों से देख नहीं सकता है, जो दृष्टि बाधित है, इसके लिए आजकल दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो लोचनाभ्याम विहीनस्य, जो व्यक्ति अपनी आंखों से देख नहीं पाता है, दर्पणः किम् करिष्यति, और कोई कहे कि दर्पण में मुझे दिखाई नहीं देता है, ऐसा करता है, यदि दर्पण को दोष लगाता है, क्या यह उचित होगा? नहीं ना। तो जो व्यक्ति स्वयं देख नहीं सकता है उस व्यक्ति के लिए दर्पण क्या करेगा? अर्थात व्यक्ति यदि स्वयं देख सकता है तब दर्पण जो होता है वो उसमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, और उस प्रतिबिंब के माध्यम से व्यक्ति अपने गुण दोषों को परख सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी आंखों से देख ही नहीं सकता है, या कहें कि जो व्यक्ति अपनी आंखों को बंद कर लिया है, उसके लिए दर्पण क्या कर सकता है? तो यहां पर दोष जो है दर्पण का नहीं है, दोष हमारा अपना है। तो हमको अपना दोष है स्वयं पहले दूर करना होगा, तब कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु हमारी सहायता कर सकता है। अगला श्लोक है। नरस्याभरणं रूपं, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। नरस्याभरणं रूपं, नरस्य धन आभरणं, ये बनता है नरस्याभरणं, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। नरस्य मनुष्य का, आभरणं, आभरणं का तात्पर्य होता है आभूषण, रूप, रूप का तात्पर्य होता है रूप या सुंदरता। तो मनुष्य की सुंदरता उसका रूप है। नरस्याभरणं रूपं, मनुष्य का आभूषण
उसका रूप है, उसकी सुंदरता है। रूपस्या भरणम गुणः, और रूप का आभूषण गुण है। देखिए, मनुष्य रूपवान हो या कोई नारी रूपवती हो, ये उसकी सुंदरता की पहचान है। किंतु उसकी जो सुंदरता है उसकी क्या पहचान है? उसकी सुंदरता की पहचान, मनुष्य की सुंदरता की पहचान है गुण। अर्थात रूपस्या भरणम गुणः, रूप का आभूषण गुण है। हमारा रूप चाहे जैसा भी हो, उसमें गुण का होना आवश्यक है। यदि गुण है तब हम कहेंगे कि हाँ वह व्यक्ति सुंदर है, वह अलंकृत है। गुणस्या भरणम ज्ञानम, और गुण का आभूषण है ज्ञान। हम में गुण तो है लेकिन हमें ज्ञानवान भी होना होगा, ज्ञान से युक्त होना चाहिए। केवल गुणवान होना पर्याप्त नहीं है, गुण के साथ साथ हमें ज्ञानी भी होना है, जानकार भी होना आवश्यक है। ज्ञानस्या भरणम क्षमा, और ज्ञान का आभूषण है क्षमा। अर्थात जो व्यक्ति ज्ञानी है, जानकार है, उसको क्षमाशील भी होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए, क्षमा करने का गुण उनमें होना आवश्यक है। तो मनुष्य का आभूषण है रूप, और रूप का आभूषण है गुण, गुण का आभूषण है ज्ञान, और ज्ञान का आभूषण है क्षमा। तो मनुष्य में ये चीजें होनी चाहिए। मनुष्य के पास रूप भी होना चाहिए, गुण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और क्षमा होना चाहिए। यदि मनुष्य के पास रूप नहीं है तो गुण होना चाहिए, मनुष्य के पास ज्ञान होना चाहिए, मनुष्य के पास क्षमा होना चाहिए, तब उस रूप की सुंदरता है, अन्यथा उसका रूप जो है व्यर्थ है। तो रूप के आभूषण है ये, उनमें गुण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और क्षमा करने का गुण उनमें होना चाहिए। अभी हमने जो पाठ पढ़ा नीति नवनीतम, इस पाठ के आधार पर कुछ अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम प्रयच्छत्, एक पद में उत्तर दीजिए, मतलब एक शब्दों में आपको उत्तर देना है। अभी हमने जो श्लोक पढ़ा उस पर आधारित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने इस श्लोक पर आया है, देखिए, केन सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उत्तर क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, उद्यमेन, बस इतना ही लिखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केन प्रविशन्ति सिंहस्य मुखे, क्या होगा उत्तर? हाँ अरे वाह क्या बात, बहुत से लोगों ने बताया, मृगा, बहुत सुंदर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, नरस्याभरणम किम, क्या उत्तर? अरे वाह बहुत से लोगों ने हाथ ऊपर किया है, हाँ बहुत सुंदर, रूपम, ये उसका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, दर्पण कस्य किम करिष्यति लोचनाभ्याम विहीनस्य, बहुत सुंदर। तो चलिए इस तरह से हमने इन अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देख लिए, और आइए अब आपको मैं गृह कार्य का प्रश्न देना चाहूंगा। आप चलिए, पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, कब? ये साम न विद्या न तपो, खाली स्थान, ये खाली स्थान आपको भरना है। ख, न ही सुप्तस्य सिंहस्य, खाली स्थान ये आपको भरना है। खाली स्थान पहले, खाली स्थान ज्ञानस्या भरणम क्षमा। तो इन खाली स्थान के प्रश्नों को आप बनाएंगे, और दूसरा प्रश्न लिखेंगे, नीचे लिखे हुए श्लोक का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। श्लोक है, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्द मधु घोष मुपैति ऊनम, विद्वान कुलिनो न करोति गर्वम, जलपंति मुढ़ास्त गुणैर विहीना। तो इस श्लोक का भावार्थ आप लिखेंगे, और अभी हमने जो प्रश्न लिखा गृह कार्य के, इन प्रश्नों को आप हल करेंगे, और हल करके अपने विषय शिक्षक से इसका परीक्षण कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने यह जो पाठ पढ़ा नीति नवनीतम, ये में नीति से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। इन नीति की जो बातें हैं इनको आपको अपने जीवन में ग्रहण करना है, और अपना जीवन स्वस्थ बनाना है, मस्त बनाना है, और नैतिकता के मार्ग पर अग्रसर होना है। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ सर्वेभ्यो नमो नमः।